अमित आहूजा एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं जस्ट ऑटो के टू व्हीलर डिवीजन में हूँ। अजय जी यहाँ साथ में, हेलो अजय जी। हाय। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है बहुत सारे मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड्स का, क्योंकि मैं टू व्हीलर का टेक्नीशियन नहीं। ओके, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरे लिए अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और उसका मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि मुश्किल इतना नहीं है, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो मैंने ये थिंकार मास्टर लगा रखा है, और इसका जो बाइक का टूल है वो ये रहा। कहने का सिर्फ, और इससे मैं आपको स्कैन करके भी दिखाऊंगा, कहने का मतलब ये है कि आप जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, प्रोटोकॉल भी मैं आपको दिखा दूंगा, और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो मैंने पिछली बार कहा था कि जो ब्रिज, जो गैप था वो ब्रिज हो गया। और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, और सीरियस यूँ है कि वन थिंग इज कॉमन फ्रेंड्स, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको ये तीन चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान, वो पता नहीं कौन से जमाने की पिक्चर थी, बट दैट इज़ द ट्रूथ। हमारे को ये तीन चीज़ें हर इंसान को चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है वो मेल है, फीमेल है, वो टेक्नीशियन है, वो नॉन टेक्नीशियन है, उसकी उम्र क्या है, वो छोटा है, बड़ा है, ये सबको चाहिए। ओके, अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि हम लोगों ने, फोर व्हीलर के टेक्नीशियंस ने, बहुत हम लोगों ने 1992 से ये चीज़ें धक्के खा रहे हैं हम लोग, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर OBD2 प्रोटोकॉल आया, फिर दुनिया जान के कैन चैन ये वो यू नो प्रोटोकॉल आते रहे। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने लाइन छोड़ दी, बहुत सारे टेक्नीशियंस अपने आप को अपग्रेड करते रहे, लेकिन एक लेवल के बाद हर आदमी इतना पैसा लगा नहीं सकता। अगर एक ये सिचुएशन आ जावे कि हर साल आपको ये बोला जाए कि आज जो आप ये 1.5-2-3 लाख का स्कैनर ले रहे हो, वो अगले साल यू नो टेक्नोलॉजी बदल गई है, जो कि ये फोर व्हीलर्स के साथ प्रॉब्लम है, ये हम रोज जूझते हैं। लेकिन टू व्हीलर वाले जो हैं, जितने भी ये भाई आपके यहाँ पे खड़े हैं, ये सब BS6 की ट्रेनिंग के लिए आए। टू व्हीलर में ऐसा कोई इनको परेशानी नहीं थी 2020 तक, क्योंकि सब कुछ कार्पोरेटर था, एवरीथिंग वाज लाइक यू नो जुगाड़ फुगाड़, कोई अपने को, उससे पहले स्कैनर लगाते थे राइट, तो कोई टेंशन नहीं थी, अपना काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि तुम्हारे यहाँ पे, आप जैसे, आपकी कितनी एज है, 25, ठीक है ना, तो तुम्हारे उस्ताद जी की कितनी उम्र है, ठीक है ना, वो भी वही काम कर रहा है जो आप कर रहे हैं। कहना ये है कि वो उस्ताद जी भी वहीं रुका हुआ है, ये भी वहीं रुके हुए हैं। जब ये फील्ड में आए तो कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन जब बढ़ा तो जो रेट है वो घटा, नॉर्मल है, घटा ना, वो जितना आप चाहते हो वो मिलता नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग आ गए। अभी सडनली अपन लोगों को, हम लोगों को क्या दिखा कि जो BS6 है उसमें एक इनके लिए एक बिल्कुल नई अपॉर्चुनिटी खुल गई, एब्सोल्युटली नई अपॉर्चुनिटी है, और इनका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। जब मैं इनको ये दिखा रहा हूँ, ये थिंक टूल मास्टर है, मास्टर से मैं बाइक स्कैन करके दिखा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये बाइक से करेंगे तो बाइक को ये स्कैन कर रहे हैं BS6 में, तो ये गाड़ी को भी कर सकते हैं, बात तो वही है, सेम चीज है। और इसमें क्या है कि जो इनके उस्ताद जी वगैरह हैं उनको भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई, अभी हम लोगों ने एक सुपर सुपर ऑफर निकाला है जस्ट ऑटो में, बोलने के लिए सब कुछ ही सुपर है। हमारी लाइन में क्या है कि स्कैनर बेचना है तो सुपर है, माल बेचना है तो सुपर है, सब कुछ ही सुपर है, वो ट्रेनिंग देना है वो भी सुपर है, बट यहाँ पे क्या है, वाकई सुपर सुपर ऑफर है, और ये सिर्फ उन टेक्नीशियंस के लिए है जो टू व्हीलर का काम करते हैं। 4 दिन की ट्रेनिंग है, सिर्फ 10,000 रुपये फीस है, सिर्फ BS6 की है, उसमें खाना पीना रहना इंक्लूडेड है, am I correct? Okay, okay. सिर्फ 4 दिन की ट्रेनिंग है, क्योंकि ये जितने भी भाई खड़े हैं इनको टू व्हीलर का काम आता है। अब इनका सिर्फ जो ये अगला पड़ाव है, जो एक ही पड़ाव है, वो है BS6। तो अजय भाई, जरा इनको बताओ सबको, हमारे
जो व्यूअर्स को कि कितने सेंसर्स हैं इस बाइक में। जी पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इनको स्कैन करके दिखाता हूँ की ऑन कर। उसके बाद अजय भाई आप ये वाला फ्रीडर लगा देना। ओके, मेरा कहना ये है कि ये चेक इंजन लाइट ऑन हो गई। ओके, मैं डायग्नोसिस में गया, OBD2। ओके, कैन बस प्रोटोकॉल पे रीड हम बोलते हैं। ओके, रीड फॉर कोड जेनेरिक, ये फॉल्ट है, हमने फॉल्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि ट्रेनिंग के लिए क्रिएट करने पड़ते हैं। ओके, क्लियर फॉल्ट कोड। ओके, DTCs have been cleared। नहीं, ओके, गो बैक, रीड फॉल्ट कोड जेनेरिक, ये परमानेंट फॉल्ट है। एनी विच वेज, अब इसको अगर मुझे लाइव डेटा देखना है, रीड लाइव डेटा, मैंने कहा सेलेक्ट ऑल, इसमें 20 पैरामीटर हैं, 20 out of 20। बाइक स्टार्ट कर। आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ DTC, रन, एयर फ्लो, बैरोमीट्रिक प्रेशर, कैलकुलेटेड लोड, इवेपोरेटेड पर्च, जो आप देख रहे हो इसका मतलब ये चीजें इसमें हैं। ओके, इंजन RPM, रन टाइम, फ्यूल सिस्टम स्टेटस, यानी ओपन लूप है, ये अजय जी इनको सबको सिखाएंगे कि ओपन लूप और क्लोज लूप क्या होता है। अब ये देखो, ये ओपन लूप है, थोड़ा सा गर्म होगी, ये क्लोज लूप में आ जाएगी। लेट्स सी, ये BTDC एंगल है, बिफोर टॉप डेड सेंटर, इंटेक है टेम्परेचर, इंटेक मैनिफोल्ड प्रेशर, बैल फंक्शन, इंडिकेशन लैम्प ऑन, ये बता रहा है कि कौन से प्रोटोकॉल को ये कंफर्म करता है, ये OBD1 को करता है। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जितने भी बाइक्स हैं वो OBD2 पे आ गए, तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने अभी शुरुआत किया है। तो लेट अस सी, ये देखो फ्यूल सिस्टम स्टेटस क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन सेंसर है उसने टेक ओवर कर लिया है, वो अपने आप मॉनिटर कर रहा है। ओके, बंद कर दे भाई। अजय भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप इनको इस स्कैनर से जो क्रीडर है उसे भी दिखा दो, और आप थोड़ा सा बताओ कि कितने सेंसर्स हैं और कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। और जितने भी हमारे अपने उस्ताद जी को भी बोलना कि नहीं तो तुम्हारा जो अगला साल है और मुश्किल हो जाएगा, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। BS6 में अभी तुम्हारा जो पुराने जूना बाइक में कितना सर्विस चार्ज मिलता है आप लोगों को? BS6 में कितना लोगे? डबल तो लगेगा, और कस्टमर पैसे देने को भी तैयार है? 100% देगी। अगर हमारे पास ब्रेन है और वो जो हम काम करते हैं वो टेक्निकली काम करेंगे ना, तो कस्टमर ही अच्छा। उस्ताद जी को भी बोलना है कि अपने आप को अपग्रेड कर लो, मैं वही बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए सुपर ऑफर है, 4 दिन है, 4 दिन में 10,000 रुपये खर्चना कोई मुश्किल काम नहीं है, और सिर्फ 2-व्हीलर वालों के लिए, 4-व्हीलर वालों के लिए नहीं है, वो कॉम्पोजिट ट्रेनिंग होगी जब होगी। और अजय भाई, अब आप टेक ओवर करो। ओके, हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय कुमार। जैसे कि हमारे अमित सर ने सब कुछ बताया हुआ है कि 4-व्हीलर के स्कैनर से भी हम 2-व्हीलर को अच्छे से स्कैन कर सकते हैं, और 2-व्हीलर में जो भी कोई फोल्ड होगा या कोई प्रॉब्लम्स होगी तो स्कैनिंग के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि सर हमारे बता रहे थे कि 2-व्हीलर का जो भी स्कैनर है, 2-व्हीलर का स्कैनर जो भी है, हम इससे भी 2-व्हीलर को स्कैन कर सकते हैं। मल्टी ब्रांड कोई भी बाइक हो, चाहे स्कूटी है या कोई बाइक्स है, हम उसको भी इस स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कार का स्कैनर है, जो कि हमारा कार का अगर वर्कशॉप है, तो वहाँ पर भी हम कार को भी स्कैन कर सकते हैं एंड बाइक को भी स्कैन कर सकते हैं, यानी कि हम मल्टी ब्रांड वर्कशॉप बना सकते हैं 2-व्हीलर एंड 4-व्हीलर, ठीक है ना। तो जैसे कि सर का कहना है कि इसमें एक्चुएटर्स कहाँ लगे हुए हैं, सेंसर कहाँ लगे हुए हैं, हमारे जितने भी व्यूअर हैं
उनको एक बार हम वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं एंड समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, तो जैसे कि अपन देखते हैं कि सर ने जैसे कि हमारे कार स्कैनर से टू व्हीलर BS6 बाइक को स्कैन करके दिखाया, तो जैसे कि मैं इस बाइक के विषय में बताना चाहता हूँ, ये हीरो कंपनी की HF 100 बाइक है ना। तो जैसे कि सर ने अभी स्कैन किया था, इसमें प्रॉब्लम आ रही है ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई, यानी कि ऑयल टेम्परेचर सेंसर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसका कोई वायर है वो टूटा है, ब्रेक है कहीं से, या फिर उसके सेंसर में कोई प्रॉब्लम है, या सेंसर उसका शॉर्ट हो चुका है, या मतलब खराब हो चुका है, ठीक है ना। तो हम एक अब क्या काम करते हैं कि इसी मल्टी केबल से टू व्हीलर स्कैनर से इसको स्कैन करके देखते हैं। तो जैसे कि ये टू व्हीलर का स्कैनर है विथ मल्टी केबल हमने लगा रखा है, जो कि इसमें हीरो का लोगो लगा हुआ है, हीरो की बाइक है, हीरो का लोगो लगा हुआ है, और बाकी के ये अलग कंपनियों के केबल हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये 60 पिन का कनेक्टर है, इसको कनेक्ट करते हैं, ये हमने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद ये देखेंगे, अभी इसमें लाइट नहीं आएगा, इसमें पावर नहीं आएगा, हम इसके इग्निशन को ऑन करेंगे, उसके बाद इसमें पावर आएगा, ठीक है ना। तो आप कोई भी BS6 बाइक को स्कैन करते हैं तो उसका बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए। करेक्ट, बैटरी अगर डिस्चार्ज है तो हम उसको अच्छे से स्कैन नहीं कर पाएंगे, और स्कैन करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, ठीक है ना। मेरे को भी आज ही नॉलेज मिली है कि जो ये BS6 की बाइक्स हैं सब में 12 वोल्ट बैटरी। यस सोचता था मेरे को गलत फहमी थी कि 6 वोल्ट है। नहीं, 12 वोल्ट की सभी जितनी भी बाइक्स हैं सभी में 12 वोल्ट की बैटरी आती है, लेकिन हम अगर एम्पियर की बात करेंगे तो 2.5 एम्पियर से 14 एम्पियर तक बैटरी मिलती है। जैसे कि हम बुलेट बाइक की बात करेंगे तो उसमें 14 एम्पियर की बैटरी मिलेगी, अगर हम पल्सर या अपाचे RTR NS की बात करेंगे तो उसमें 8 एम्पियर या 9 एम्पियर की बैटरी मिलेगी, इस तरीके से मिलने वाली है। तो अलग अलग बाइक में अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से उसमें सेल्फ मोटर के हिसाब से बैटरी देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमने इस केबल को लगाया, इसमें डायग्नोस का ऑप्शन सबसे पहले आ रहा है, इसको हम ओके करेंगे, यहाँ हमने ओके किया, स्कैन कर रहा है, हमने इसको ओके किया वापस, ठीक है ना। इसमें लिख के आ रहा है 1 फोल्ड, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई, यानी कि बाइक में प्रॉब्लम है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर में कोई प्रॉब्लम है, या कोई वायर ब्रेक हो चुका है, या सेंसर खराब हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं अब नेक्स्ट में क्या बताने वाला हूँ, नेक्स्ट ये बताने वाला हूँ आपको कि इसमें सेंसर्स कहाँ लगे होते हैं और एक्चुएटर्स कहाँ लगे होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे कि कैमरा इधर लेके आएंगे बराबर में, जैसे कि ये जो सेंसर लगा हुआ है ये इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है। जितनी भी बाइक हैं सभी बाइकों में सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन जो लगा हुआ होता है उन पर ही ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा रहेगा। इसको हम इंजन टेम्परेचर सेंसर भी बोल सकते हैं और ऑयल टेम्परेचर सेंसर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका सही नाम होता है ऑयल टेम्परेचर सेंसर, क्योंकि इंजन के तापमान को चेक करने का एक अच्छा प्रोसेस क्या होता है, हम उसके ऑयल को चेक कर, उसका ऑयल का टेम्परेचर चेक कर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये ऑयल टेम्परेचर सेंसर हो गया, ये इसका ECU लगा हुआ है, ठीक है ना, ये इसका एक्चुएटर जो इंजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें और भी देखेंगे, ये जो वायर दिखाई दे रहे हैं हमें ये क्रैंकशाफ्ट सेंसर के हैं, जो कि क्रैंकशाफ्ट सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है, मैग्नेट के अंदर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसके वायर हैं, और नेक्स्ट इधर देखेंगे हम इस साइड में देखेंगे तो पर्च कंट्रोल वाल्व सेंसर लगा हुआ है, टंकी के नीचे फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप लगा हुआ है, जो कि एक्चुएटर है, फ्यूल पंप लगा हुआ है। इसी तरीके से इसके अंदर बैक एंगल सेंसर भी लगा हुआ है, जो कि बैक एंगल सेंसर हम BS2 या BS3 BS4 में किसी बाइक में नहीं आता था, जो कि गाड़ी दुर्घटना के दौरान जब बाइक गिर जाता था तब भी बाइक रन रहता था, तो एक्सीडेंट में जो कस्टमर को चोट नहीं लगती थी वो बाइक गिरने के बाद उसको ज्यादा चोट लगती थी, तो कंपनी ने ये भी स्टार्ट कर दिया। उसका क्या रोल है कि फ्यूल कट ऑफ हो जाएगा? फ्यूल कट ऑफ नहीं होगा, इग्निशन ऑफ हो जाएगा सर। ओके, इग्निशन ऑफ हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी इग्निशन ऑफ हो जाएगा, गाड़ी ऑफ हो जाएगी, बस ये रहा। गाड़ियों में ना इसे इनर्शिया स्विच बोलते हैं। जी सर, इंपैक्ट होते ही गाड़ी बंद हो जाती, गाड़ी बंद हो जाती है जी। तो इस तरीके से हमने इस बाइक में कुछ सेंसर और एक्चुएटर के विषय में हमने आपको बताया, ठीक है ना। बाकी की सर बताएं। अजय भाई जी सर, ये जो हमने ऑफर निकाली है सुपर ऑफर, जी सर, क्या लगता है आपको कि हर टेक्नीशियन बाइक वाले को लेनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, जैसे कि सर का कहना है कि बाइक वाले को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो मेरा कहना सभी जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं व्यूअर हैं, और भी उनके माध्यम से जितने लोगों को टेक्नीशियन को सूचना मिलेगी या देख पाएंगे या समझ पाएंगे, तो मेरा कहना यही है
कि हम BF2 या BF3 या BS4 में हम जुगाड़ के माध्यम से हम बाइक को रिपेयर कर सकते थे, लेकिन हम BS6 को जुगाड़ के माध्यम से रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें शॉर्ट सर्किट हम करेंगे तो इसका ECU खराब होगा, इसके फ्यूज खराब होंगे, इसके सेंसर्स खराब होंगे, जो कि बहुत ही काफ़ी कॉस्टली हैं, टेक्नीशियन को अपनी जेब से भुगतना पड़ेगा। और एक छोटी सी मैं वीडियो एंड करने से पहले एक बात बता दूं फ्रेंड्स, 2020 और 21 का मैं डेटा देख रहा था तो 1,40,00,000 बाइक बिकी थी, टू व्हीलर्स, ओके। 2021 और 22 मार्च तक अगेन 1,33,34,00,000 बिकी है। ये BS6 की बात कर रहा हूं, 3,25,00,000 BS6 की टू व्हीलर है। आप ये देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूं कि BS6 की 10,000 रुपए में 4 दिन की ऑल एक्सपेंसेस पेड, मतलब खाना पीना रहना आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूट देने वाला नहीं है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। क्या लगता है भाई आपको? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और कैसी लग रही है आपको यहाँ की ट्रेनिंग? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी हमने ये ट्रेनिंग मेहनत ले चुकी है, ट्रेनिंग ले ली है मैंने, okay. BS60 ट्रेनिंग ले ली जी। तो बहुत सी चीज़ें सब बताया गया है, कैसे स्कैन कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टोटल अब मुझे लगता है कि मैं BS6 की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं मैकेनिकल बाइक से, मतलब मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, करेक्ट। तो मैं सबसे बताना चाहता हूँ कि अभी बाइक BS6 में बाइक आई है तो बाइक अपग्रेड हो गई है, तो मैं मैकेनिकल बाइक से यही बात कहना चाहता हूँ कि आप भी अपडेट हो जाओ मेंटली और मैकेनिकल से। अपने उस्ताद जी को भी बोलना मेरे भाई। मैं भी बताऊंगा जो अनदर स्टेट से भी आते हैं ना, मैं उन सभी को ही बात बताना चाहता हूँ कि आप जस्ट ऑटो को 100% ट्रस्ट करो। इधर बहुत ही अच्छा टेक्निकल मिलता है, ट्रेनिंग मिलता है। और दूसरा एक और बात है फ्रेंड्स, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने पिछली बार भी वीडियो में बोला था कि 56 साल का हूँ मैं, रोज अभी भी क्लासेस लेता हूँ, पढ़ता हूँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, टेक्नोलॉजी हमसे 100 साल आगे है, और हमारे अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे हमारी जिंदगी में कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। टिल वी मीट अप विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा साइनिंग ऑफ। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।